देख लो कितना डिफरेंस है। और मैं अभी ये सोच रही थी कि अभी तो शुरुआत की है हमने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करने की, तो अगर आप देखो तो अभी जो कंडीशन है वो कंडीशन है बिफोर एनी ऑलमोस्ट एनी डेवलपमेंट्स इन जम्मू कश्मीर। अब जब आप थोड़ा और साल रुक के फिर कंपेयर करो तो आपको लगेगा ये जो पीओके का है वो तो तब तक वैसे होगा ही नहीं, इनका पाकिस्तान का पार्ट जो मानते हैं वो तो होगा ही नहीं, वो तो इंडिया का पार्ट बन ही चुका होगा तब तक, कुछ ही साल और मैं कह रही हूँ। पर अगर आप थोड़े साल में उसके बाद देखो तो ये तो ऐसे लगेगा कि गाँव गूँ है ये जो पीओके है, और ये इतनी बिग जो हमारी जम्मू कश्मीर है वो सिटी इतनी है। बड़ी सिटी है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इंडिया का कश्मीर और जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका कंपैरिजन वीडियो देखने जा रहे हैं। वैसे तो किसी भी बात में हमारा और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिलहाल के लिए जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वहाँ पे कैसी ग्रोथ है, और इंडिया का जो कश्मीर है उसमें किस तरह की डेवलपमेंट है, तो उसी पर आज का मिक्स रिएक्शन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीडीपी, एरिया, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन आगे है, जम्मू कश्मीर या जबरदस्ती पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ कश्मीर। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। तो जम्मू और कश्मीर की जीडीपी है $22 बिलियन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जीडीपी है केवल $6.6 बिलियन, जो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के आधा भी नहीं है। जीडीपी के बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की, मतलब यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की। तो आपको जानकर काफी गर्व होगा कि हमारे जम्मू और कश्मीर में 35 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, जबकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में केवल ये संख्या 6 है। अगर बात हम एयरपोर्ट की करें तो भारत के अभिनंग जम्मू कश्मीर में टोटल 4 एयरपोर्ट है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसके आधे केवल 2। एयरपोर्ट के बाद हम आते हैं हेल्थ सेंटर पर। आप जानकर हैरान हो जाओगे, जम्मू और कश्मीर में 2,812 हॉस्पिटल है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में केवल 23। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हर साल काफी लोग हेल्थ सुविधाओं की कमी के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रोड्स की हालत भी काफी खराब है, जबकि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने $13.33 बिलियन का बजट पास किया है ताकि जम्मू कश्मीर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पर काम किया जा सके। जम्मू कश्मीर में 4 से ज्यादा नेशनल हाईवे है और 10 से ज्यादा नई सड़कों पर काम चल रहा है। दिल्ली अमृतसर से लेकर जम्मू के कटरा तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी भारत सरकार के द्वारा यहाँ बनाया जा रहा है। सिर्फ रोड नहीं बल्कि बड़े बड़े टनल का निर्माण भी भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में कराया गया है। जम्मू कश्मीर के इंफ्रा की बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का हाईएस्ट 1315 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज भी रिवर चेनाब पर बनाया जा रहा है। अगर हम बात बजट की करें तो पीओके का 2021-22 में बजट था केवल $141 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज। और बात करें हम अपने जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर का 2021-22 में टोटल बजट था $78.55 मिलियन और ये फर्क आपको साफ समझ आ जाएगा। द प्रिंट के हिसाब से इंडिया 16 टाइम ज्यादा स्पेंड करता है जम्मू कश्मीर पर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। पाकिस्तान ने पीओके की हालत बद से बदतर कर दी है। और तो और, पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पीएको को धीरे धीरे ही सही चाइना के हवाले करता जा रहा है। इंडिया ने जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया है और हर साल काफी विजिटर जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टेररिज्म और पाक आर्मी का अड्डा बन चुका है। दोस्तों, पीएके के लोग अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज भी उठाने लगे हैं और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी वापस भारत का हिस्सा बन जाएगा और वहाँ के लोग भी जल्द इन सब सुविधाओं का फायदा उठाएंगे और समय के साथ डेवलप हो जाएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के आगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज इंफ्रा, हेल्थ, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज में कुछ भी नहीं है। हम जम्मू और कश्मीर को कंपेयर ही नहीं कर सकते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। दोनों में दिन और रात का फर्क है। आप आज हमारे कश्मीरियों को देखोगे तो देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो जाकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और सरकार उनको विशेष सुविधाएं भी प्रदान करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्त। तो और मैंने एक बात नोट की, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो उधर का ना, तो वो इधर से बहुत ज्यादा है। चनाब ब्रिज देख लो आप उसके बाद उधर की वो चनाब ब्रिज खाली 1500 से 2000 करोड़ का खाली वो बना है। हम तो इधर रहते हैं, हमें पता है, हमारे साथ ही है तकरीबन, इधर साथ ही पड़ता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे मतलब वो सहूलतें नहीं है। रोड्स हैं कुछ, लेकिन इतनी कुछ खास जगह पे हैं, सिर्फ ज्यादा अच्छी रोड्स हैं,
लेकिन वो भी स्टार्टिंग के एरियाज में वो वही कह रहा हूँ ना, कुछ एरिया में, लेकिन आगे अगर चले जाए तो फिर वहां पे रोड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। वो जो उन्होंने तस्वीर दिखाई वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह के रोड्स। इंडिया के जो कश्मीर का एरिया है और पाकिस्तान कश्मीर के एरिया का जो बजट है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर जो शोबा हर शोबे में भी जमीन आसमान का फर्क है भाई। ये भी तो देख रहे हैं कि उनके पास एरिया कितना ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा एरिया मेरे भाई उनके पास। असल भाई एरिया चाहे जितना भी बड़ा हो ना, कंपैरिज्म करे ना आप सारा डिटेल में देख लेते कि जमीन आसमान का फर्क है। क्या जमीन आसमान का फर्क है कि वो क्या कोई आसमान पर जाकर उन्होंने कॉलोनियां बना दी है रहा है। तो आप थोड़ा और एक थोड़े कुछ साल और वेट करके देखना तो आप कहोगे ये क्या है। वहां के लोग तो रोना शुरू हो ही गए हैं, अभी तो उनका थोड़ा रोना शुरू हुआ है, उसके बाद दे जब यहाँ का देखेंगे तो पूरा उनका रोना जो होगा वो बंद ही नहीं होना है कि ये हमारे साथ हुआ क्या, जो हम बड़े चुपचाप इतने सालों तक बैठे हुए थे और बड़े खुश थे कि भैया हम पाकिस्तान के पार्ट बने हुए थे, अब हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अपनी ज़िंदगी की है, अब हमें इंडिया का पार्ट बनना है। और वो शुरू हो गया, उनको दिख रहा है फ्यूचर जम्मू कश्मीर का, इसलिए वो रोना उन्होंने शुरू करा है कि भैया अब हमें इंडिया का पार्ट बनना ही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही छोटी थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी। वैसे तो इन भाई ने भी कहा कि हमारा कश्मीर और जो पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा रखा है उसका कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। वो बात से मैं 100% एग्री करता हूँ क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कब्जा के ऐसे बैठे रहे अपने फायदे के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो तो वहाँ पे हुई नहीं जब से उनके पास पीओके है। तो वो भी बहुत लंबे समय तक रहने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमारी सरकार भी इसके बारे में सोच रही है कि वापस हमारे इंडिया के साथ उसको मिला ले। जैसे 370 हटाकर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाकर डेवलपमेंट की और हम जा रहे हैं कश्मीर में, तो वैसे ही हम पीओके को भी हमारे साथ मिला लेंगे। और जो हमारे वाले कश्मीर में जो ग्रोथ हुई है स्पेशली आर्टिकल 370 हटने के बाद, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त से इतनी तेज़ी से वहाँ पे सभी सेक्टर्स में काम हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स देख ले, एजुकेशन देख ले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स देख ले, तो सभी जगह पे बहुत ही ग्रोथ हो रही है और वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है और सिक्योरिटी भी है। जो कुछ साल पहले वहाँ टेररिज्म का बहुत ही इश्यू था वो आज बहुत ही कम हो गया है 10 साल पहले के कंपैरिजन में। तो ये बात वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको डर डर के अब नहीं जीना पड़े। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।